लालू जी भंडारे भी कम से कम पूरा खाना तो दे देते, तुमने थोड़ी थोड़ी पत्तल पर खीर रख दी तो कचौड़ी रख दी, इतना कम खाना कौन खिलाता है? खीर तो और लाओ, तुम्हारी खीर बहुत अच्छी बनी हुई है, लाओ थोड़ी सी खीर और। अरे मोदी जी तुम दुनिया की चीज मांग लो लेकिन मुझसे खीर मत मांगो, खीर खत्म हो गई। देख रहे हो केजरीवाल और ओवैसी जी को खीर मिली नहीं है, कैसे गुस्से में बैठे हैं ये दोनों लोग, इन्हें सिर्फ कचौड़ी कचौड़ी मिली है दो। लेकिन लालू जी कचौड़ी के साथ खीर कौन खिलाता है? खीर और कचौड़ी क्या साथ? देखो मैं इस बात की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी कचौरी और खीर बनी हुई अच्छी नहीं है, तुम्हारी खीर और कचौरी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन खीर को भी तुमने पूरा नहीं बनाया है, आधी अधूरी खीर बनाई है और कचौरी भी कम बनाई है, और खीर कचौरी का कोई साथ भी नहीं होता है। ज्यादा मत बोलो योगी जी, एक तो लालू जी ने तुम्हें कचौड़ी और खीर दोनों चीजें दे दी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है, ना इन्होंने मुझे कचौड़ी दी है ना खीर दी है, और भंडारे पे बुला लिया, बताओ मैं क्या खाऊं। अच्छा लालू जी आप एक बात बताओ, आप दो रंग की बातें क्यों कर रहे हैं? ओवैसी जी को तुमने ना खीर दी ना कचौड़ी दी, और मेरे पास तो खीर भी नहीं दी है, सिर्फ कचौरी कचौरी दी है, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। चलो ओवैसी जी अपना लोग खाना तैयार कर चलते हैं ऐसी। अरे ओवैसी जी और केजरीवाल खाना त्यागना किसी परेशानी का हल थोड़ी है, ये बताओ मेरे पास खीर खत्म हो गई तो मैं क्या करूं? और ओवैसी जी मैंने तो तुम्हें कचौड़ी दी थी, खीर भले ही ना दी हो कचौड़ी दी थी, लेकिन चुपके से केजरीवाल ने तुम्हारी कचौड़ी उठा ली, तुम्हें पता ही नहीं चला, इसमें मेरी क्या गलती? हाँ ओवैसी जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लालू जी ने तुम्हें खीर नहीं दी थी लेकिन कचौड़ी कचौड़ी दी थी, कचौड़ी चुपके से केजरीवाल ने तुम्हारे पत्तल में से उठा ली, इसमें उनकी विचारों की कोई गलती नहीं है। चलो ठीक है लालू जी की कोई बदनामी मत करो, ऐसा है मेरे पत्तल में जो खीर है वो केजरीवाल और ओवैसी जी को दे दो आधी आधी, मैं तो बिना खीर के भी कचौड़ी खा लूंगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी और राहुल आपने दोनों ने मिलकर ये बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला है, दोनों लोग अपनी टोकरी में आम और सेब रखकर और उन टोकरी को कंधे पर एक डंडे पर रखकर बेचने ले जा रहे हो। भाई मुझे तो अपनी अंगूर की टोकरी को अपने सर पर रखकर बेचना पड़ता है, मेरी गर्दन दर्द करने लगती है। भाई आपका जुगाड़ तो बहुत अच्छा है, मेरी इस अंगूर की टोकरी को भी रख लो अपने इस डंडे पर। योगी जी तुम्हें इस डंडे पर कहीं पर जगह दिख रही है? जिस डंडे पर हम आम की और सेब की टोकरी रखकर ले जा रहे हैं उस पर इतनी जगह नहीं है कि तुम्हारी अंगूर की टोकरी आ जाए वहां पर, तुम अपनी अंगूर की टोकरी सर पर रखकर ही बेचो। अरे मोदी जी वो देखो अखिलेश आ रहा है, मुझे लगता है वो फल लेके जाएगा, फल बहुत खरीदता है वो, लगता है वो आम लेगा आम। तुम्हें कैसे पता आम खरीदेगा, क्या पता सेब खरीदे वो, मेरे सेब खरीदे? रुक जाओ तीनों लोग रुक जाओ, मैं फल खरीदूंगा। अरे अखिलेश मेरे पीले पीले आम खरीद लो, ताजे ताजे अभी तोड़ कर ला रहा हूँ, ले लो बहुत बढ़िया आम है। अरे राहुल मुझे किसी भी फल का छिलका छीलना बिल्कुल पसंद नहीं है और आम का छिलका छीलना पड़ता है, तो अखिलेश मेरा सेब ले लो, सिर्फ काटना है छीलना भी नहीं है, काट कर खा लो आराम से, बहुत बढ़िया सेब है ताजा ताजा, 50 रुपए किलो लगा दूंगा। अरे भाई मोदी जी काटना तो पड़ेगा ही, छीलने और काटने में कोई फर्क तो है नहीं, मैं सोच रहा हूँ ऐसा फल लूं जिसे न काटने और न छीलने की झंझट हो, सीधा मुंह में डालो पेट के अंदर। ऐसा फल तो अखिलेश हमारे ही पास है, ये देखो अंगूर, बस अंगूर के एक लच्छे को साफ पानी में धोके मुंह में गप से डाल के खा जाओ, न छीलने की दिक्कत न काटने की दिक्कत, ये आम सेब तो बेकार है, मेरे अंगूर ही ले लो। ये बात तो बहुत बढ़िया बताई होगी जी आपने, न छीलने की दिक्कत न काटने की दिक्कत, बस तोड़ो और मुंह में डाल लो, अंगूर तो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन रेट बताओ क्या रेट दे रहे हो? 500 रुपए के 1 किलो। अरे 500 रुपए के 1 किलो, ऐसा करो योगी जी जहाँ से ये अंगूर तोड़ के लाए हो जिस पेड़ से वहीं पर लगाओ दोबारा, 500 रुपए क्या 250 रुपए किलो नहीं बिकेंगे तुम्हारे ये अंगूर, 50 रुपए किलो दो तो बताओ। अरे भाई अखिलेश जब तुम मांग रहे हो तो तुम्हें तो देना ही पड़ेंगे, लाओ निकालो 50 रुपए। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल ये कर्जे की चिंता कहाँ जा रही है, ये कर्जा निकल जाए तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊं। हाँ मोदी जी पिछले साल की आपकी फसल बाढ़ में बह गई थी तब आपने कर्जा लिया था, किससे लिया था? अरे राहुल मैंने योगी जी से कर्जा ले लिया था, मूल रकम तो मैं दे चुका हूँ, थोड़ा सा ब्याज रह गया है, सूद रह गया है। अरे रस्ते चलते मांगते रहते हैं ये योगी जी, इनका कर्जा निकल जाए बस। अरे अखिलेश तुम्हारे ऊपर भी तो कर्ज है योगी जी का। अरे मोदी जी क्या बताऊं, मेरे ऊपर तो लालू जी का कर्ज है, असल में मैंने पहले कर्जा योगी जी से लिया था, जब उन्होंने बहुत सख्ती से अपना कर्जा मांगा तो मैंने लालू जी से कर्जा उठाकर योगी जी को दे दिया,
अब लालू जी का कर्जा मेरे ऊपर हो गया है। अरे मोदी जी वो देखो योगी जी और लालू जी चले आ रहे हैं, लगता है अपना कर्जा मांगने के लिए आ रहे हैं। क्या करें अपना लोग, क्या करें? अरे मेरे तो हाथ पैर फूल गए योगी जी को देखकर, मैं क्या करूं क्या करूं राहुल। ऐसा करो मोदी जी, अखिलेश आप झोपड़ी के ऊपर बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लेता हूं, वो तुमको देख ही नहीं पाएंगे। अरे राहुल तुमने मोदी जी को देखा, मैं उन्हीं को देखता हुआ फिर रहा हूं, वो ज्यादातर वक्त तुम्हारी झोपड़ी पर गुजारते हैं, इसीलिए मैं यहीं पर देखने के लिए आ गया। नहीं योगी जी मैंने तो नहीं देखा मोदी जी को, क्या बात है, क्या काम है उनसे आपको? अरे राहुल क्या बताऊं, किसी के सामने भी कहते हुए बुरा लगता है। पिछले साल मोदी जी की जब फसल बाढ़ में बह गई थी तो इन्होंने मुझसे 50,000 का कर्जा लिया था, अभी तक नहीं चुकाया है, जबकि उस कर्जे का ब्याज 1,00,000 रुपया हो चुका है। और लालू जी आप कैसे आए हुए? अरे मैं अखिलेश को देखने के लिए आया हूँ, मैंने सुना है अखिलेश यहीं पे, मुझसे अखिलेश ने कर्जा लिया था अभी तक नहीं चुकाया है। अरे वो दोनों लोग कर्जा दे देंगे आपका, आप घर जाओ, उनकी फसल तो आने दो, फसल जैसी आएगी वो तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। देखो राहुल मोदी जी अगर मिले उनसे साफ साफ कह देना कि वो भले ही मेरी मूल रकम 50,000 ना दे, लेकिन ब्याज 1,00,000 रुपया दे दे मेरा। लालू जी अखिलेश तो सही है, मैंने उससे थोड़ा सख्ती से पैसा मांगा, उसने मुझे पैसा तो दे दिया भाई, तुम मांगोगे तुम्हारा भी दे देगा, लेकिन ये मोदी जी बहुत परेशान करते हैं, ये पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कहीं तुमने अपनी झोपड़ी के अंदर तो नहीं छुपा लिया मोदी जी को? अरे कैसी बात करती हो योगी जी, मोदी जी कोई सोना चांदी है जो मैं उन्हें छुपा लूंगा? आप टेंशन फ्री होकर घर जाइए, मैं उनसे कह दूंगा, वो तुम्हारे पैसे दे देंगे। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल ये चुपके चुपके तुमने क्या उठा लिया, लगता है तुमने हाथ में चटनी उठा ली, चटनी है क्या, मुझे देना जरा। वैसे तो अपनी प्लेट में सब कुछ हो गया, पूड़ी भी हो गई, टिक्की भी हो गई, जलेबी भी हो गई, अरे हाँ गुलाब जामुन रह गया यार, गुलाब जामुन और रख लो प्लेट में। अरे मैं अपनी चटनी नहीं दूंगा मोदी जी, वो कॉर्नर पे चटनी मिल रही है, ले लो जाके। और ये बताओ प्लेट में कहीं पर जगह बची हुई है जो गुलाब जामुन रखोगे? एक बात ये बताओ, कोई देख तो नहीं लेगा अपनों को, अपना बिना निमंत्रण पत्र से इस शादी में घुसाएं आपके कहने पर, कुछ होगा तो नहीं? कैसी बेदुखी बात कर रहे हो राहुल, ऐसी जाने कितनी शादी मैंने खाई है बिना निमंत्रण पत्र से। अरे इतने लोग खाने के लिए आते, कौन किसको पहचानेगा? लड़के की साइड वाले लोग समझेंगे कि अपना लड़की वालों की तरफ से, और लड़की वाले लोग समझेंगे कि अपना लड़के वालों की तरफ से, कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं तो हजारों शादी ऐसी खा चुका हूँ बिना निमंत्रण पत्र से। अरे मेरे तो मुंह में खाना ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ बिना निमंत्रण पत्र से खाने के लिए, कहीं कोई रिश्तेदार ना मिल जाए, पहचान ना ले मुझे। अरे लालू जी वो तीन लोग कोने में ओवरलोड प्लेट में खा रहे हैं, वो क्या आपकी तरफ से आए हुए हैं? देखो ये मेरे दोस्त के लड़के की शादी है, और उसने मुझसे पूछकर ही सारे लोगों को निमंत्रण पत्र दिया है, ये तीन लोगों को तो मैंने दिलवाया नहीं है निमंत्रण पत्र, लड़की वाले तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी तरफ से आए हुए हैं? देखो योगी जी लड़की वालों के सारे रिश्तेदारों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये उनमें तो कोई लग नहीं रहा है। ऐसा करो पास में चल के निमंत्रण पत्र मांगते हैं इनसे, चलो। और भाई साहब पहले ये बताओ खाना कैसा है? राहुल ये खाने को पूछ रहे हैं, यानी कि ये लड़की वालों की तरफ से है। हाँ भाई साहब खाना तो बहुत बढ़िया है। वैसे आप किसकी तरफ से आए हो, लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से? अरे वो हम अरे हम लड़के वालों की तरफ से है। लड़के के पिता तो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और मैं सारे उनके रिश्तेदारों को जानता हूँ, आपका इनविटेशन तो हुआ नहीं था। अरे राहुल तुम भी जाने क्या क्या बक देते हो, अरे हम लड़की वालों की तरफ से हैं भाई साहब, ये गलत बोल गया जल्दबाजी में। और लड़की के पिता मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, उनके सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूँ, आप पहले निमंत्रण पत्र दिखाओ। अरे निमंत्रण पत्र तो घर रह गया। अरे हम सब समझ गए तुम्हारी बात को, अरे कम से कम आराम से खा लेते अगर तुम्हारा निमंत्रण नहीं था, कोई खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा था, आराम से खाओ, तुम भी हमारे मेहमान हो। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।